Hello and welcome to Amity TV. Today we have a glimpse on two-day mega film festival organized by Amity School of Communication, Amity University, Patna, where the renowned actor and producer Mr. Kranti Prakash Jha has joined us as star guest. So let's get connected to sir by our reporter Shivani Sharma. Sir, आपकी life में वो ऐसा point कब आया जब आपको ये confirmation हो गई कि yes मुझे acting ही as a career option चुनना है? मैम, मैंने अभी कुछ देर पहले स्टेज पे कहा था कि जिस काम में आए मज़ा वही काम करना चाहिए. तो मुझे भी मालूम नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी समय तक माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर बिहारी की तरह मैं भी यूपीएससी दे रहा था. यहाँ कितने लोग यूपीएससी देने वाले? अच्छा 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 है. तो वही चीज़ है कि जिस काम में आपका दिल लगे वही करना चाहिए. आपका अगर खेती करने में दिल लगता है तो खेती ही करें, लेकिन वो काम कभी ना करें जो आप पे थोपा गया, मेरा ये मानना है. तो आज ये खासकर यहाँ के कॉलेज में तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे टाइम पे नहीं थी, इसलिए आज बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ मन लगे वही काम करो. बिल्कुल सर. तो हमारा से दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसा कि हम देखते हैं सर, आजकल मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत रहते हैं सर, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें भी पता है कि एक्टिंग लाइन भी एक स्टेबल ऑप्शन है, तो उन्हें वो गाइडेंस बचपन से मिलता है और वो इंडस्ट्री में हैं तो काम उनके पास आता है सर, उन्हें काम की तलाश में नहीं जाना पड़ता है. बट सर, आपकी लाइफ में ऐसा कोई गाइडिंग लाइट था या फिर यू वर ऑन योर ओन? माता जी थी हमारी, क्योंकि मेरा वही मानना है कि अगर मैं हमेशा मानता हूँ, मैं सबको बता दूँ कि सब देव देवियाँ एक और है, माँ मेरी तू एक और, तो इसलिए माँ के बिना मेरी लाइफ अधूरी है और उनकी वजह से ही मैं टिक पाया, आगे भी टिकता रहूँगा. यस सर, बिल्कुल. पेरेंट्स के सपोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है. सर, मैंने भी सुना था जब मैं गया था बॉम्बे शहर एक्टिंग करने के लिए, तो मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा था कि भांडगिरी करने गया है और नटुआ बनने गया है. लेकिन वही है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना होता है और वो पैशन कहीं ना कहीं अच्छा इंतजाम करता है आपके जीवन में. सर, हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, यंग बर्डिंग टैलेंट्स के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर हमें कहीं ना कहीं ये तो पता होता है कि एक्टिंग करियर हमें चुनना है, हमारे में वो पोटेंशियल भी होता है, पर सर हमें सेकंड स्टेप क्या लेना है ये नहीं मालूम होता है. तो बेसिकली आपके लाइफ में सर, आपको आपका पहला ब्रेक कैसे मिला? पहला ब्रेक 600 रुपये के लिए मिला था, एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और जिसमें भी मास्क पहनने थे तब. आज से मैं बात बता रहा हूँ आपको 10-12 साल पहले की. तो 600 रुपये से काम शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन उसके बीच में ज़रूर है कि दिल बिल तोड़वाते रहें, उससे एक्टिंग अच्छी होती है. तो सर, आज आप एमिटी फिल्म फेस्टिवल में आए हैं तो ये सवाल इससे रिलेटेड रहेगा. पहले सर, बिहार में छोटे पर्दों की फिल्मों को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, बट आज बिहार में हम फिल्म फेस्टिवल करा रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है ये यंग क्रिएटर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कह दिया, लगे रहो, जो भी करना है सब में लगे रहो, फिल्में बनानी है बनाते रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप 2 महीने फिल्म बनाए फिर बोलेंगे अब मज़ा नहीं आ रहा. काम वही करना है जिसमें पैशन हो यार, नहीं तो मत करो वो काम, घर में आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही करो. गोईठा बनाना भी बहुत आनंद का काम है अगर उसमें आपको आनंद आता है तो. यस सर, बिल्कुल. मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ. तो मुद्दा वही है कि अभी आपके पास वॉइस इज ऑयस्टर, जस्ट फ्लाई हाई, दैट्स इट. थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर. आपने इंतजार कराया लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू शिवानी शर्मा फॉर द मैसेज वी गॉट फ्रॉम सर. फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे कनेक्टेड टू एमिटी टीवी.